सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की। पाकिस्तान से मोहब्बत वाली उड़ान के हिंदुस्तान में लैंडिंग करने वाली सीमा हैदर अब जिन्ना लैंड के कट्टरपंथियों के निशाने पर है। एक और सीमा हैदर भारत सरकार से उसे वापस पाकिस्तान ना भेजने की अपील कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की कट्टरपंथी जमात सीमा हैदर की वापसी की रट लगा रही है और साथ में मौत का फरमान सुना रही है। क्या है पूरी कहानी आपको इस रिपोर्ट में? मुझे वजह सबको पता है, आप धमकी सुन चुके होंगे, मेरा वहाँ फ्यूचर नहीं है, तब मौत है बस। सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जाएगी, मार्शल लॉ जरूर लगवाएगी। पाकिस्तानी सीमा हैदर की हिंदुस्तानी सचिन से मोहब्बत का पन्ना जिस दिन से खुला है सरहद पार जिन्ना लैंड में कट्टरपंथ का तूफान तभी परवान पर है। लड़की जैसे गया है तुम्हारा पाकिस्तान से गया इंडिया में दिल्ली में गया। कुरान के मुतालिक जिसने कुरान की बेहरमती की है वैसे इसने हमारे इस्लाम की है। अच्छा, इसके लिए भी वही सजा होनी चाहिए जो उनके लिए है। ठीक है, यानी कि सजा मिलनी चाहिए, सजा मिल जाए प्रॉपर तरीके से। उसने अपनी तरफ से ये वावेला किया है कि मुझे मेरे शोहर ने तलाक दे दी है, मैंने खुला ले लिया है। मुर्तद की जो सज़ा है वो वाजिबुल कत्ल है और उसे हमने कत्ल नहीं करना। कट्टरपंथ के मुहाफिजों को नया मसाला मिल गया है। सोशल मीडिया से लेकर गली और बाजारों तक सीमा हैदर का नाम चर्चा में है। कट्टरपंथ के लिबास में जहालत आसमान पकड़ रही है। सुनने में आया है कि वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं, पाकिस्तानी तो वो, उसको अगर पाकिस्तानी होती तो उसको हिंदी बोलने में इतना आसानी कैसे पैदा हो जाती, वो तो हिंदी फर फर बोल रही है, वो तो हिंद को है। असल में सीमा जो है ना, सीमा बहुत चलाक लड़की है, बहुत चलाक लड़की है और बहुत सारे मुल्कों के इसके पास पासपोर्ट भी हैं और वो जो है ना पाकिस्तानी है ही नहीं। ऐसी बेगरत लड़कियां बहुत आती हैं और जाती हैं। मैं कौम को ये मशवरा दे रहा हूँ और अपने जो माए बहन है इज्जत से महफूज अपने कोने में सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी काट रही हैं उनकी फिक्र करें, सीमा जैसी बेगरत औरतें बहुत हैं। सलामिश्त मेरी जान जरा के भूल कर लो, सलामिश्त मेरी जान जरा के भूल कर लो, मेरा दिल धड़के मेरा दिल धड़के। आखिरत में क्या है, सीमा जन्नत में जाएगी दोजख में जाएगी? दोजख का काम करा मैं, दोजख में जाएगी। पाकिस्तान में दो वक्त की रोटी मुहाल है लेकिन कट्टरपंथी सीमा हैदर को वापस लाने की रट लगाए बैठे हैं। सवाल है, कट्टरपंथी सीमा हैदर को वापस क्यों लाना चाहते हैं? सीमा हैदर वापस गई तो क्या होगा? क्या सीमा हैदर के चलते पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगेगा? इन सवालों का जवाब पाकिस्तान की हर गली नुक्कड़ पर हो रही चर्चा में सीमा के लिए इस्तेमाल हो रहे शब्दों में छिपा है। इंडिया के लोगों से प्यार करना, उनके साथ मिलजुल के बैठना, नो डाउट बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं खुद बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ इंडिया जाना, मुझे बहुत शौक है और मैं उधर लोगों को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, नरेंद्र मोदी साहब की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन अपने मज़हब को छोड़कर आप किसी और के मज़हब में कन्वर्ट हो जाएं, इस्लाम को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में चले जाएं, ये इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है और ये बहुत ही गलत है कि वो अपने मज़हब को छोड़ के उनके मज़हब में चले। ये पाकिस्तान की वो तस्वीर है जो गुरबत में डूबे एक देश को लेकर नए सवाल पैदा कर रही है, क्योंकि फटेहाल पाकिस्तान के नागरिक सीमा हैदर को लेकर जहर उगल रहे हैं तो कट्टरपंथी संगठन भी एक्टिव हो गए हैं। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम मर्द से निकाह कर रही है, हालांकि कुरान के साफ अल्फाज हैं, वला तुनकिहुल मुशरिकाती वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिन्ना। मुशरिक मर्द से औरत निकाह, मुसलमान औरत निकाह नहीं कर सकती जब तक कि वो ईमान कबूल नहीं कर लेता, इस्लाम कबूल नहीं कर लेता। मर्द को इजाजत है कि ईसाई या यहूदी औरत से निकाह कर सकता है चंद शर्तों के साथ। वैसे तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है लेकिन आलम यह है कि कराची की पहचान इन दिनों सीमा हैदर से होने लगी है। कराची की गंदगी से अटी पड़ी ये वो संकरी सी गली है जहां सीमा हैदर हिंदुस्तान आने से पहले रहती थी। इस मकान के मालिक मंजूर हुसैन का कहना है कि हिंदुस्तान में बोला गया सीमा हैदर का हर एक लफ्ज झूठा है। मजलिस करती थी,
रमजान महीने में कभी कभी रोजे भी रखती थी, नमाज पढ़ती थी। ये झूठ बोल रही है, तो हमारे को सलमान भी नहीं आता, नमाज भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। यानी सीमा हैदर का हिंदुस्तान आना पाकिस्तानियों के गले नहीं उतर रहा, वो किसी भी हालत में सीमा हैदर की वापसी चाहते हैं। आलम यह है कि हिंदुस्तान में जैसे जैसे सीमा हैदर का एक एक दिन गुजर रहा है, पाकिस्तान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है, जो एक बार फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ की ओर इशारा कर रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।